गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सो इन दिस वीव कम चैप्टर इन प्रीवियस वीडियो इन दिसन प्लांटिंग मोर ट्रीज मतलब और ज्यादा ट्रीज लगाना डिफॉरेस्टेशन कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों को काटना ह्यूमस द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल कंटेनिंग ह्यूमस विच इज डी केज द डीकेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स सॉइल की वो टॉप मोस्ट लेयर मतलब वो लेयर जो ह्यूमस रखती है विच इज डी के डीकेड रिमेन्स वो लेयर क्या है वो प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स है उनकी लेयर है सॉइल द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस Soil क्या होती है द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर दैट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अपने अंदर समाहित रखती है वाटर साइकिल द कंटिन्यूस साइकिल इन विच विच इन विच वॉटर इवेपरेट फ्रॉम द वॉटर बॉडीज ऑफ द अर्थ वो साइकिल जिसमें जो वॉटर है वो इवेपरेट होता है अर्थ की वॉटर बॉडीज में से इन टू द एटमोस्फियर एटमोस्फियर में वेर इट कंडेज एंड फॉल्स बैक ऑन द अर्थ एज रेन एंड स्नो और वहां पर फिर कंडन प्रोसेस condens चलती है उसकी और वो वापस अर्थ पर आ जाती है रेन और स्नो की फॉर्म में लैंड स्लाइड्स इट रेफर्स टू द मोमेंट मूवमेंट ऑफ ह्यूज पीसेज ऑफ रॉक्स अलॉन्ग विद सॉइल डाउन द स्लोप लैंडस्लाइड क्या होती है इट रेफर्स टू द मूवमेंट ये वो मूवमेंट होता है ऑफ ह्यूज ऑफ रॉक्स रॉक्स के बड़े बड़े का का चट्टानों अलोंग विद द के साथ डाउन द स्लोप ढलान से नीचे मतलब जब बड़े बड़े चट्टान मिट्टी के साथ साथ ढलान से नीचे की ओर रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं लैंडस्लाइड सॉइल इरोजन द रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल सॉइल की जो टॉप फर्टाइल लेयर है उसका रिमूवल ही सॉइल इरोजन कहलाता है शेल्टर बेल्ट्स, रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन फार्मिंग फार्मिंग में ट्रीज प्लांट करना विच इन विच हिल स्लोप्स आर यूज एज कल्टिवेबल लैंड जहां पर जो हिल स्लोप्स स्लोब उन्हें यूज किया जाता है कल्टीवेबल लैंड के तरीके से टेरेस फार्मिंग, प्रोसेस ऑफ फार्मिंग इन विच हिल स्लोब्स कल्टीवेबल फिर रिपीट कर रहा हूं स्लोप्स को कल्टीवेबल लैंड के जैसे यूज किया जाता है फार्मिंग के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टोरिंग रेन वाटर इन स्पेशली मेड अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स फॉर रीयूज रेन वाटर को स्टोर करना ताकि हम उसे रीयूज कर सके उसे ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं उसके लिए स्पेशल अंडरग्राउंड वॉटर टैंक्स भी बनाए जाते हैं ताकि उसके अंदर हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सके और यूज कर सके फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट द ट्रीज इन द फॉरेस्ट दैट नेवर सेट देयर लीव साइमल्टेनियसली वो फॉरेस्ट में वो ट्रीज जो उन्होंने अपने पत्ते कभी नहीं झाड़े मतलब उन्होंने अपने पत्ते कभी नहीं छोड़े हैंस द रिमेन ग्रीन थ्रो आउट द ईयर और इसीलिए वो मिसाल में हमेशा हरे ही रहते हैं डेसीडियस फॉरेस्ट फॉरेस्ट हैविंग ट्रीज दैट शेड ऑल दी आर इन अ पर्टिकुलर सीजन डेसीडियस फॉरेस्ट वो होते हैं जब उनके वो ट्रीज वो फॉरेस्ट होते हैं जिनके ट्रीज अपने पत्तों को छोड़ देते हैं अपने पत्तों को झाड़ देते हैं किसी पर्टिकुलर सीजन में सेंचुरी ए प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स हैं उनके लिए एक प्रोटेक्टेड एरिया हम क्या कहते हैं सेंचुरी नेशनल पार्क एन एरिया स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क को होता है एक एरिया जो वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व हो बायोस्पेयर रिजर्व ए वास्ट लैंड एरिया वेर वाइल्ड लाइफ इज प्रोटेक्टेड विदाउट चेंजिंग द लाइफ स्टाइल ऑफ ट्राइबल पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व वो होता है जब एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है बिना ट्राइबल पीपल में वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ स्टाइल को चेंज किए बिना वाइल्ड लाइफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन टू इन इट्स नेचुरल हैबिटेट कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी नेचुरल हैबिटेट में रह रहा है उसे हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं टुमोरो वील नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी इट्स क्वेश्चन आंसर्स थैंक यू